बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ दायरे कम स्कूल गोरी टाउन कैंपस इस्लामाबाद। डियर स्टूडेंट्स, वी वन लर्न अबाउट रफ ड्राफ्ट्स। के रफ ड्राफ्ट मीन इब्तदाई तहरीर। इब्तदाई तहरीर, अब स्पाइडर वेब और जो माइंड मैपिंग हम लोगों ने की है, ये भी उसी से रिलेटेड एक टर्म है, रफ ड्राफ्ट, राइट। स्पाइडर वेब और माइंड मैपिंग में तो ये होता है कि हम टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स लिखते हैं, कीवर्ड्स, ओके। लेकिन रफ ड्राफ्ट में क्या है कि हम उन वर्ड्स की थोड़ी सी डिटेल लिखे, उनको पॉइंट्स बनाते हैं, और उसके बाद मज़ीद जब हमने प्रॉपर ऐसे लिखना होता है उस टॉपिक के बारे में, तो हम उसकी डिटेल्स लिखते हैं, राइट। यहाँ पे उन कीवर्ड्स की डिटेल्स होती है, वो कीवर्ड जो हम माइंड मैप में यूज़ करते हैं, रफ ड्राफ्ट में उन कीवर्ड्स की डिटेल होती है, इसको खाका बोलते हैं, राइट। सो वी हैव अवर टॉपिक, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू आवर कोर्स, इसका हम रफ ड्राफ्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस रफ ड्राफ्ट में 6 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी टॉपिक है हमारा, तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के इस्तेमालात, के बिजली के फवायद, बिजली हमारी कैसे मदद करती है। पॉइंट नंबर 1 इज यूजेस फॉर लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। लाइटिंग बत्तियां जलाने के लिए, हीटिंग गर्म करने के लिए, कोई भी चीज़, गीजर्स देखे पानी बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन्स भी आ चुके हैं, ओवन के लिए यूज, कूलिंग फ्रिज के लिए, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली से चलने वाले आलात जैसे आयरन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, ओवन, टेलीविजन एंड ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। उसके बाद यूजेस फॉर हेल्थ केयर, इंसानी सेहत की हिफाजत के लिए, जैसे मेडिकल मशीनरी, मेडिकल मशीनरी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ की इन टाइप मशीन्स हैं, और ऑपरेशन के दौरान लाइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और बहुत सी मशीनरी जो क्या है मेडिकल के लिए यूज़ हो रही है, हेल्थ केयर के लिए। यूजेस फॉर वेल्डिंग ऑफ मटेरियल्स, चीज़ों को जोड़ने के लिए लोहे की चीज़ों की वेल्डिंग होती है उनको, एंड टू बिल्ड बिल्डिंग्स, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने में हेल्प आउट करती है, कैसे, वो जो सीमेंट वगैरह होती है और वो बजरी वगैरह, उनको मिक्सअप करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई जाती हैं, और लिफ्ट के लिए मशीन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, राइट, बिल्डिंग मटेरियल्स को जो एड करती है ये इलेक्ट्रिसिटी। देन यूजेज इन हाउस होल्ड, घर में यूज़ होती है, घर के कामों में, ईजी ओवन, फ्रिज, एसी, वॉशिंग, वॉशिंग मशीन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, वॉशिंग डिशेस के लिए भी हमें मोटर चलानी पड़ती है, पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, आयरनिंग, कपड़े इस्त्री करने के लिए, जनरेटर्स के लिए यूज़ होती है, मोटर्स के लिए यूज़ होती है, एंड डोरबेल्स और डोरबेल्स के लिए यूज़ होती है, राइट। यूजेस फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में यूज, एयरलाइन ट्रैवल, अब ये जो जहाज़ है इनमें तो इंजन होता है, लेकिन इनका जो कंट्रोल रूम होता है जो एयरपोर्ट पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, वो सारा सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चल रहा होता है, राइट। इंटरनेट, दिस वॉज द रफ ड्राफ्ट ऑफ यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव अनदर टॉपिक इन आवर कोर्स दैट इज स्पोर्ट्स, खेलने, राइट, खेलों के बारे में एक रफ ड्राफ्ट। खेलें क्या करती हैं, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। नंबर 1, कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, हमें सेहतमंद और ताज़ा दम रखती हैं, रिफ्रेश और माइंड, हमारे दिमाग को ताज़ा दम रखती हैं, एंड क्विक थिंकिंग, और हमारे दिमाग को क्विक थिंकिंग देती हैं, जल्दी जल्दी अच्छा सोचने वाला बनाती हैं। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तफरी का ज़रिया है, डिवेल्प बढ़ाती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। टीच अस टीम वर्क, टीम वर्क करना सिखाती हैं, एक टीम में जो लोग होते हैं ना, कभी ऐसा होता है कि टीम का एक प्लेयर अच्छा काम कर रहा हो तो टीम का दूसरा प्लेयर अच्छा काम नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर सारे लोग उसे एक मेंबर को कोसते हैं, उसको डांटते हैं, उसको कसूरवार ठहराते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी टीम अच्छा काम नहीं कर पाई, हमारी टीम आगे नहीं ले, तो ये टीम वर्क सिखाती है कि अगर हम एक टीम में हैं तो हमें बराबर का काम करना है, तो सब इकट्ठे मिल के काम
काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो सकेंगे। टीच अस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सपोर्ट्स क्या है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल देती हैं, कि हमें इकट्ठे मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प आउट करनी है, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। ये एथिकली भी, इस्लाम में भी ये चीज़ें हमें बताई गई हैं। टीच अस यूनिटी डिसिप्लिन एंड वैल्यू ऑफ टाइम, क्या क्या सिखाते हैं हमें? यूनिटी इत्तेहाद, कि हमें मिलजुल कर रहना है और काम करना है। डिसिप्लिन हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती है कि हमें कैसे काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला हमें बनाती हैं। एंड वैल्यू ऑफ टाइम, और हमें वक्त की कदर का एहसास दिलाती हैं कि हमें वक्त पर काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ही हम कामयाब हो सकेंगे। रिड्यूस, कम करती है स्ट्रेस एंड टेंशन, परेशानी और दबाव, राइट। सपोर्ट जो है वो हमारा जो टेंशन है और स्ट्रेस है उसको रिलीफ करती हैं, उसको रिड्यूस करती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टू टॉपिक्स अबाउट विच आई हैव टीच रफ ड्राफ्ट। आप लोगों ने ये दोनों अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। पीडीएफ फाइल्स इंशाल्लाह आपको मिल चुकी होंगी, मिल जाएंगी या यकीनन मिल चुकी होंगी, तो आपने वहाँ से देख के अपना काम कंप्लीट करना है, मिस्टेक्स से दूर रहना है और ऐसे ही नीट एंड क्लीन काम करना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से अपना काम कंप्लीट करके आप लोग अपनी नोटबुक स्कूल जमा करवाएं, काम कंप्लीट करने के बाद, ताकि और पेपर से पहले, ताकि पेपर से पहले आपके जो भी मिस्टेक्स हैं वो क्लियर हो जाएं, पेपर्स आप अच्छे अच्छे प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।